हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्रांजल्स रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को दिल से सॉरी। ये मैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने जो इस रेसिपी में मिस्टेक की है, जो गड़बड़ की है, आप लोगों के साथ ना हो इसलिए ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाद में मेरे मेहनत के लिए लाइक करना, ठीक है। मेरा जो इतना टाइम गया है, इतना पैसा मेरा गया है इस रेसिपी में, जितना भी कुछ गया है, तो उसके लिए लाइक करना। रेसिपी के लिए बिल्कुल भी लाइक मत करना। तो यहाँ पे ना मैंने पहले एक बाउल लिया है। बाउल में हम पहले तो डालने वाले हैं यहाँ पे डार्क कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे 1 कप जितना मैंने प्रीमिक्स लिया था, चॉकलेट प्रीमिक्स, उसके बाद 1/2 कप जितना डार्क कंपाउंड लिया था, और उससे भी आधा मतलब 1/4 कप यहाँ पे मैंने बटर लिया था। पहले तो एक बाउल लेंगे और बाउल में ये जो डार्क कंपाउंड है ना वो मैंने इस तरह से डाल दिया है, और इसमें अब हम बटर डालेंगे, और बटर डालने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी मैंने यूट्यूब पर देख के बनाई थी, मतलब एक रेसिपी जस्ट मेरे सामने क्लिक हुई थी और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैडम हमें प्रीमिक्स से ब्राउनी बनाना सिखाइए, तो इसलिए ये रेसिपी मैं ट्राई कर रही थी। कभी भी मैंने प्रीमिक्स से ब्राउनी ट्राई नहीं की है अब तक, और की है मतलब पर मैदे वाली ब्राउनी ट्राई की है। ये प्रीमिक्स वाली ब्राउनी मैंने पहली बार ही ट्राई की थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये रेसिपी ट्राई भी हो जाएगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी ये रेसिपी। तो इसके लिए ना अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो बटर और डार्क कंपाउंड है अच्छे से मिक्स हो गया है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके प्रीमिक्स और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जितना हमारा बटर है उतना ही हमें पानी लेना है, मतलब 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पे बटर लिया था, तो 1/4 कप जितना ही हम पानी लेंगे, और अच्छी तरह से ये दोनों भी धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आपको आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हो, पर ये रेसिपी ना OTG में मैंने ट्राई करना चाहिए था, पर मैंने ये OTG में नहीं की क्योंकि मेरा OTG छोटा वाला खराब हो गया था, और एक केक के लिए ये बड़ा वाला OTG तो मैं लगा नहीं सकती क्योंकि 1 टाइम में उसमें ना 35 केक बेक होते हैं, तो एक केक के लिए ये 35 जितना जो टाइम जाता है या फिर गैस जाता है उतना मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये रेसिपी ना मैंने इंडक्शन पे ट्राई की है, तो अच्छी तरह से ये सब जो प्रीमिक्स है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें ना मैंने थोड़े थोड़े नट्स भी डाले हैं और चोको चिप्स भी डाले हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इतनी मैंने थिक रखी थी। अगर आप में से किसी ने भी ये ना प्रीमिक्स से ब्राउनी ट्राई की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो देखने के बाद मुझसे क्या गड़बड़ हुई है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली बार ये जो ब्राउनी है मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगी प्रीमिक्स के साथ, और मेरी इसमें क्या गड़बड़ हुई है ये ध्यान में रखते हुए अगली बार मैं वो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करूंगी। तो यहाँ पे ना स्क्वायर वाला 1/2 किलो का मोल्ड भी नहीं था मेरे पास, तो ये जो राउंड टीन है ना उसमें ही ये सब जो ब्राउनी का मैंने बैटर है वो लगा दिया है। अच्छे से टीन ने मैंने टैप कर लिया था, और जो बचे हुए नट्स थे ना, मतलब आलमंड्स लिए थे मैंने, वो इसमें डाले हैं, चोको चिप्स डाले हैं, और इंडक्शन पहले ही मैंने ऑन करके रखा था ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो प्रीहीट हो जाए। तो इस तरह से ना कढ़ाई को मैंने प्रीहीट कर लिया था, पर इसमें नमक डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने इसमें नमक भी डाला है। नमक अच्छे से गर्म हुआ तो मैंने क्या किया, एक प्लेट रखी है इस पर, एक स्टील की छोटी वाली प्लेट है, और प्लेट पे ना जो हमारा ब्राउनी का बैटर का टिन है वो इसमें रख दिया था। तो आप देख सकते हो एक इस तरह से मैंने प्लेट रख दी है, और जो ब्राउनी का बैटर है उसका टिन है वो मैंने इस तरह से रख दिया था, और लीड इसका हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो लीड के लिए होल होता है ना वो मैंने यहाँ पे लॉक कर लिया था, तो इस तरह से जो होल है ना वो मैंने लॉक कर लिया था। अब ये जो कढ़ाई है हम ढक के रख देंगे, तो आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद ना इसमें भाप आनी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हो कढ़ाई में पूरी भाप आनी शुरू हो गई है। मैंने सोचा चलो इतनी मैंने फर्स्ट टाइम ही ये जो इंडक्शन पे केक है ना वो बेक किया है, वो ऐसा कभी मैंने बेक नहीं किया है, तो ये मेरी फर्स्ट रेसिपी है इस तरह से। मैं ये नई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझसे जो गड़बड़ हुई ना वो आप लोगों से ना हो, इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 10 मिनट बाद ना कुछ इस तरह से बबल्स आने शुरू हो गए, तभी मैं समझ गई कि रेसिपी तो अपनी गई, जो रेसिपी है वो पूरी बर्बाद हो गई है, जितना भी इसमें पैसा गया है। तो चलो देखो ना कि डार्क कंपाउंड भी महंगा है, प्रीमिक्स भी महंगा है, और हमारा बटर भी महंगा है, टाइम भी इतना गया है, इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी इसके लिए इतनी गई है। तो देखो इस तरह से ना 35 मिनट बाद मैंने ये ब्राउनी का टिन निकाल लिया था, और ये ब्राउनी कुछ इस तरह से इतनी हार्ड हो गई थी, तो वो चाकू से निकल भी नहीं रहा था, इतनी साइड से वो सख्त हो गई थी, इतनी हार्ड हो गई थी, तभी किसी तरह से मैंने ये ब्राउनी निकाल ली। तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह से ना टिन अच्छे से टैप करके ये प्लेट में निकाल भी लेते हैं,
तो ये निकली भी नहीं। देखो इतनी ज़्यादा हार्ड है ये, मैं आपको क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। तो मैंने ये जो मिस्टेक की ना, ये आप लोग बिल्कुल मत करना। इसके लिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से ये जो ब्राउनी की हालत है वो हो गई है। मैं तो 1 मिनट में ना सोचते ही रह गई कि भाई अब मैं इसका क्या करूँ। इतने सारे बादाम डाले हैं, चोको चिप्स डाले हैं, इसमें बटर भी गया है, इतना कंपाउंड भी गया है, मतलब आप समझो कि 150 रुपये तो इसमें चले गए। एक तो वैसे भी केक का सीज़न इतना स्लो चल रहा है और ऊपर से मैंने ये गड़बड़ की है, मतलब इतनी सारी मिस्टेक में मुझसे हो गई है। मैं क्या बोलूँ, अभी क्या करूँ, बैठे बैठे खा रही थी। पर ये सच बोलूँ एक बात, ये टेस्ट में ना इतनी बढ़िया थी, इतनी मैं आपको क्या बोलूँ, सच में ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया थी, मुझे अच्छी लगी है टेस्ट में। अब मैं जब मेरा खा के हुआ तो इसमें जो बादाम बादाम थे ना बड़े बड़े टुकड़े, वो मैं निकाल के खा रही थी ताकि वो भी चलो वेस्ट ना हो जाए। ये कौन खाएगा ना, ये ऐसे तो फेंक के नहीं दे सकते, इसलिए इसके जो बादाम है ना वो मैं ट्राई कर रही थी। तो बिल्कुल भी आप लोग बुरा मत मानना कि ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, पर ऐसे ही सब यूट्यूब पे जितनी भी रेसिपी आती है वो सच नहीं होती है, मतलब ट्राई करने के बाद वो सच नहीं होती है। ऐसा ही मुझे दिखाना था आपको, मैंने जो मिस्टेक की है वो आप लोगों से ना हो। और इस वीडियो में आपको क्या लगता है, मुझसे क्या मिस्टेक हुई है ब्राउनी बनाते टाइम पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए आज की ये वीडियो, मुझे मालूम है आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, तभी भी मेरी इस मेहनत के लिए मैंने जो आपके साथ शेयर किया है उसके लिए ज़रूर एक लाइक कर देना। देखो मैं कैसे खा रही हुई है, फेंक के नहीं देना था इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के इसमें से बादाम जो है ढूंढ ढूंढ के खा रही थी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली बार मैं आपके साथ ज़रूर अच्छी ब्राउनी शेयर करूँगी।